उड्डा साहब आए थे वो बता रहे थे कि उनका जब शासन था 2014 तक तब हरियाणा नंबर वन था हम रेडियो पे टीवी पे बहुत विज्ञापन भी देखते बहुत थे। किया। नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे ये वाली परेशानी तो आप हमें दे दिया करो चैनल चलाने में खर्चा काफी आता है तो ये परेशानी तो हम झेल लेंगे लेकिन अब जो उनका आरोप था वो ये था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है प्रदेश में हरियाणा जो है नंबर वन हो गया है बेरोजगारी में हरियाणा जो नंबर वन हो गया है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब होने में दस में से ज़ीरो नंबर देने को भी तैयार नहीं है वो पूछते हैं कि पिछले नौ साल में किया क्या आप बता दीजिए मैंने कहा ये मैं आजकल, जो आप कह रहे हो मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा वो देख रहे नहीं, नहीं, तो आप बता दीजिए आजकल आजकल कुछ संस्थाओं ने परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी शुरू की है उनका जीरो से नीचे दे दो कुछ जी, जी। नेगेटिव कर दो कुछ हा, 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 विपक्ष का अपना एक सिस्टम है विपक्ष है उनके पास कोई चीज़ बताने के लायक नहीं कोई उनके पास मुद्दा नहीं है जब मुद्दा विहीन आदमी हो जाता है तो ऐसी बौखलाट में ही भाषाएं बोला करते हैं कि सब बेकार हो गया सब खत्म हो गया अब ये बेरोजगारी का एक आंकड़ा ये लेके आते हैं सी -E नाम से एक संस्था है और वो सी संस्था जो है वो प्राइवेट संस्था है कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के उसको चलाया हुआ है और उसकी बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग उसको जानते हैं और वो संस्था ऐसी है उसका क्योंकि कॉमर्शियल संस्था है और कॉमर्शियल संस्था मतलब उसमें आप इसको अदरवाइज ना लें तो कमर्शियली जिस किसी का लाभ किया जाए उससे कुछ भी कर लो मैनिपुलेशन ये सब होती है हम उसको कोई एंटरटेन करते नहीं हैं और उन्होंने शायद कभी हो सकता इच्छा भी रखी हो कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चलेंगे तो शायद हरियाणा सरकार हमारे ध्यान में आ जाएगी हमने 2014-15 में सरकार अपनी बनाई शुरू शुरू में दो तीन साल तो किसी को समझ में नहीं आता तो उन्होंने क्या शुरू किया हमारी जो बेरोज़गारी थी वो घटाते घटाते 2017 के एक महीने में 2017 के एक महीने में वो हरियाणा में बेरोजगारी बन दिखाई दो परसेंट जबकि हम दो परसेंट से भी मंजूर नहीं करते कि दो से ज़्यादा ही होगी दो तो नहीं ही होगी लेकिन उनको यानी उनकी आप सारा डाटा उठा कर देख लीजिए अब महीना कौन सा था आप निकाल लीजिए 2017 में एक महीने में दो परसेंट बेरोजगारी उन्होंने हरियाणा की दिखाई है और जब 17 18 में कोई दाल गली नहीं उधर बढ़ने के लिए चुनाव तो 2019 में भी हुए तो ये सारे सिस्टम बनाते बनाते वो उनके अड्डे हम तो चढ़े नहीं और जब चढ़े नहीं तो उन्होंने उन्नीस के बाद इसको बढ़ाना शुरू किया तो पहले दो से आठ किया दस किया पंद्रह किया अठारह किया बीस किया पच्चीस किया और एक महीना ऐसा आया जिसमें चौंतीस परसेंट बेरोज़गारी उन्होंने दिखा दी अब चौंतीस परसेंट में थोड़ा सा हमने भी दो चार बार कमेंट किया तो उन्होंने अगले एक महीने में चौंतीस परसेंट से एकदम चौबीस परसेंट कर दी मैंने कहा अब एक महीने में हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हमारी बेरोज़गारी चौंतीस से चौबीस आ गई हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं जी तो इसलिए वो जो सारे आंकड़े लेके चलते हैं मैं उनको चैलेंज करता हूं और चैलेंज क्या अब बहुत लोग तो कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो हम ऐसे खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस जाल में फंसे हमारी ऐसी बातों की आलोचना करें जिसको जनता समझे जिस दिन चौंतीस परसेंट हरियाणा में बेरोजगारी हो जाएगी उस दिन लोग जो है ना किसी को चलने नहीं देंगे ना आपको ना हमको ना इन विपक्ष वालों को किसी को नहीं चलने देंगे जी। आज हमारे पास डाटा फिर मैं आता हूँ परिवार पहचान पत्र पर एक एक परिवार का डाटा है और एक एक परिवार के डाटा में सेल्फ डिक्लेयर्ड लोग हैं आठ लाख समथिंग जिन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं अब जो सेल्फ डिक्लेयर आठ लाख हैं आप परसेंटेज निकाल लीजिए आप उसको पौने तीन करोड़ में से निकाल लीजिए या आप ये कहिए कि चलो बच्चे और बूढ़े छोड़ दो अठारह से लेकर के और आप साठ साल के बीच में से निकाल लीजिए अट्ठारह से साठ बयालीस साल की एज बयालीस बयालीस साल की जो एज है उसमें लगभग डेढ़ करोड़ रुपये डेढ़ करोड़ आबादी ये बनती है डेढ़ करोड़ में भी आठ लाख ,00 होंगे तो कितने बनेंगे साढ़े पाँच छः परसेंट छः परसेंट से ऊपर हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है और कोई भी एक विकसित जो देश होता है ये वो आंकड़े जो रोजगार कार्यालय में दर्ज है रोजगार कार्यालय में दर्ज क्यों होते हैं देखिए रोजगार कार्यालय थोड़ा सा पैसा देता है और उस पैसे के कारण से जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है अपनी दुकान करता वो भी वहाँ लिखा देगा कोई रेडी चलाता वो भी लिखा देगा कोई और कोई काम करता वो भी लिखाएगा आखिर सरकारी नौकरी करने वाले या जो रजिस्टर्ड प्राइवेट नौकरी करने वाले ये लोग छोड़ करके बाकी किसी को भी बेरोज़गार कार्यालय में लिखाने के लिए कहीं कोई बंधन ही नहीं है कोई देखने नहीं जाता कि इसका क्या रोज़गार क्या नहीं है अगर वहाँ से पंद्रह सौ रुपये महीना दो हज़ार रुपये महीना तीन हज़ार रुपये महीना रजिस्टर कराने से ही मिल जाए तो दिक्कत क्या अब हमने उस रोजगार कार्यालयों के बजाय जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है उसको सारे को जो बेरोज़गार है हमने एक नया सिस्टम बनाया है, वो है एच हरियाणा रोजगार कौशल निगम उस सारे डाटा को वहां ला रहे हैं और फिर उसमें देखेंगे बेरोजगार कार्यालय में कितने लोग उसमें मैच करते हैं जो मैच नहीं करते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये चीजें लीकेज है बहुत रोकनी जरूरी है अनडिजर्व व्यक्ति को कोई पैसा सरकार का नहीं जाना चाहिए पब्लिक एक्सेक्टर की मनी है डिजर्विंग व्यक्ति जो है उसको हर चीज़ मिलनी चाहिए हमारा फार्मूला ये है और इस फार्मूले से जो कर रहे हैं इससे लोग प्रसन्न हैं क्योंकि अभी हमने राशन कार्ड का विषय शायद आप चलाए ना चलाए मैं राशन कार्ड की बता रहा हूँ राशन कार्ड में भी जो हमारे पास शिकायतें 2011 से लेके और अब तक की एक साल पहले तक की शिकायतें क्या थी कि जी बहुत लोग डिजर्व करते हैं उनका राशन कार्ड बना नहीं और बहुत ऐसे हैं जिनके घर में कार भी है जिनका परिवार में नौकरी भी है जिनकी दो मंजिल मकान भी बना हुआ है उनका राशन कार्ड बना हुआ है हमें एक निर्णय लेना पड़ा और उस निर्णय में साढ़े बारह लाख परिवार ऐसे मिले जिनका राशन कार्ड होना चाहिए अभी तक नहीं है एक कलम से साढ़े बारह लाख राशन कार्ड हमने बना दिए पहले तो साढ़े बारह बनाए इसको तो रिकॉग्नाइज करो जी इसको तो अप्रिशिएट करो जी। कि साढ़े बारह लाख लोग जिनके घर में दो समय का खाना ठीक से बनता नहीं था वो हमने बनाए अब आओ काटने पर जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ऐसे तीन लाख लोग निकल आए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं अस्सी बयासी हजार लोग वो निकल आए ऐसे ही लगभग ढाई तीन लाख लोग ऐसे निकल आए एक पैमाना हमने तय किया आ, कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक आ, एक एक सर्वे किया और उस सर्वे में से एक पैरामीटर बनाया कि जिसके परिवार यानी जो घर का बिजली का खर्च होता है डोमेस्टिक वो इनकम का फाइव परसेंट होता लगभग फाइव परसेंट का मतलब है कि अगर एक लाख अस्सी हज़ार की इनकम माने तो घर का साल का खर्च डोमेस्टिक आना चाहिए नौ हज़ार रुपया अब नौ हज़ार रुपये में लगभग यूनिट बन जाती है यानी साढ़े सात सौ रुपये महीना अगर आप लगाएंगे नौ तो हज़ार हो जाता है और साढ़े सात सौ का मतलब है कि एक ढाई सौ यूनिट महीने का तीन सौ यूनिट महीने का बन जाता है तो ढाई सौ तीन सौ यूनिट महीने का जो खर्च करता है उससे नीचे जो करता है वो गरीब है उससे ऊपर जो करेगा वो उसको एक अस्सी से बाहर करना होगा ऐसे ढाई तीन लाख लोग ये निकलाए जो थे ना क्या आप कह रहे थे कि अपने आप इनकम बढ़ जाती है तो ऐसा एक अस्सी से ऊपर इन सबको किया जो नौ से ज्यादा जिनका बिजली का बिल एवरेज आता था इसमें कुछ शिकायतें मिली उन शिकायतों को मैंने ठीक भी किया है उसका जो है द्वारा से उसका आ, माने उसकी जांच करा ली और जांच कराने के बाद हो सकता है कुछ लोगों का नौ हज़ार से ज़्यादा आया हो लेकिन अभी भी वो गरीब हैं दो तीन तरह के एग्जाम्पल ध्यान में आए कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या ई रिक्शा चलाते हैं वो शाम को जाके चार्ज करते हैं अपना ई रिक्शा की बैटरी अब वो है तो गरीब लेकिन उसका बिल नौ से ज़्यादा आएगा ऐसे जो प्रेस करता है आदमी प्रेस करता तो बिजली से ही काम करता है अब वो गरीब है लेकिन वो प्रेस का काम करता है तो उसका बिल ज्यादा आ गया तो इस प्रकार के घरेलू व्यवसाय वाले कुछ लोग निकले जिनका बिल नौ से ज्यादा था उनको सबको हमने ठीक कर दिया कोई भी चीज ठीक करने में हमें गुरेज नहीं लेकिन गलत ढंग से कोई ठीक कराएगा तो वो होने नहीं पाएगा तो इस प्रकार से हमने ये कुल मिलाकर जो आठ लाख परिवारों के राशन कार्ड हमने काट दिए आठ लाख लाख के काटे और साढ़े बारह लाख बना जो इसके लिए, के इसके लिए हम शुक्रिया कहेंगे बहुत अच्छा कर दिया ठीक कर दिया और हमने तो अपील भी की है कि गलत ढंग से राशन का लाभ ना कोई उठाए कारण राशन कार्ड का बनने से पीला राशन कार्ड बनने से साल में पांच का लाभ होता है इससे ज्यादा नहीं होता जी 20 किलो अनाज लगा लो 20 रुपए किलो का फायदा है चार सौ रुपया महीना बारह चौक अड़तालीस तो अड़तालीस सौ रुपए साल का फायदे के लिए कोई आदमी अपना मनो मुंह खराब करे दिमाग कर, में उसमें कोई गड़बड़ हो जाए और वो गलत रंग से अपने स्वाभिमानी जिंदगी ये है कि वो ठीक होकर के आगे बढ़े जी